से बोलिए। प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का बैठक किया गया है, इसमें 14 साल से नीचे के बाल श्रमिक से काम नहीं करवाना है और इसको जागरूक फैलाने के लिए जितना प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी है सब इसका सदस्य है, माननीय प्रमुख अध्यक्ष है और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अध्यक्ष है, श्रम प्रबंधन पदाधिकारी सचिव है और इसको जागरूक करने के लिए बराबर लगभग प्रत्येक महीना प्रखंड टास्क फोर्स की बैठक की जाती है। लोगों को बेनिफिट है, 14 साल से जो नीचे वाला बच्चे सब है ना, वो सबका दुरुपयोग नहीं हो, उसका शोषण नहीं किया जाए। और जब रेस्क्यू कराते हैं बच्चे तो हम लोग 3,000 रुपया तत्काल सहायता देते हैं और उसके बाद नियोजक पर एफआईआर करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 एफडी कराते हैं, जो 18 साल पूर्ण होने पर उतना पैसा निकाल के अपना बिजनेस जो करना है करते हैं। क्या नाम है? बच्चों को दिया होटल दवा में काम करता है बाल श्रम का जो काम करता है उसको। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट। क्या क्या चल रहा है? श्रम संसाधन विभाग के तहत जो 3-4 योजना चल रहा है, एक है बिहार शताब्दी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा 2011, इसके अंतर कोई भी मजदूर जो मृत्यु हो जाता है, स्वाभाविक मृत्यु 30,000 रुपया देते हैं और दुर्घटना मृत्यु में 1,00,000 रुपया देते हैं, उसके लिए उम्र होना चाहिए 18 से 65 साल के बीच, एक है। दूसरा है बिहार राज्य प्रवासी दुर्घटना अधिनियम 2008, उसके अंतर्गत जो बिहार राज्य से बाहर काम करता है उसका एक्सीडेंटल मृत्यु होता है तो 1,00,000 रुपया देते हैं, अब से 1 मई से हो गया है 2,00,000 रुपया देने का प्रावधान, ये हो गया। तीसरा एक है निर्माण श्रमिक के लिए, बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें जो भी निर्माण मजदूर उसका रजिस्ट्रेशन किया है 50 रुपया लेकर 20 रुपया निबंधन शुल्क और 30 रुपया नवीकरण शुल्क, 5 साल की रजिस्ट्रेशन होता है, 5 साल की रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 50 रुपया लगता है, उसमें है जो लगेगा आधार कार्ड, बैंक के पासबुक, अब पिछले वर्ष में 90 दिन का प्रमाण पत्र जो किसी के यहाँ काम किया हो उसे लिखा के उसको घोषणा देगा चाहे उसे लिखवा के देगा जो फलना के यहाँ 90 दिन निर्माण मजदूर का काम किया। ये रजिस्ट्रेशन के लिए है सर, ऑनलाइन है, बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग का साइट है, उस पर आप ऑनलाइन कहीं CSC से चाहे अपने खुद कर सकते हैं कन्या विवाह और साइकिल। उसके बाद बताते हैं जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 16 प्रकार के लाभ देते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। फर्स्ट है मातृत्व लाभ, जो महिला निर्माण श्रमिक है उसका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत 1 साल से रास्ता आता है तब प्रथम 2% में 90 दिन की मजदूरी देते हैं, जिसमें मजदूरी बनता है लगभग 35,000 रुपया। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, किसी भी निर्माण मजदूर का बाल बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक जो पास करेगा उसको ट्यूशन फी का जो खर्च होगा वो बोर्ड वहन करेगा। उसके बाद है मेडिकल इंजीनियरिंग पास करता है तो 1,20,000 रुपये देते हैं, पॉलिटेक्निक नर्सिंग पास करेंगे तो 10,000, ITR 5,000 रुपये। नगद पुरस्कार बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी निर्माण श्रमिक है उसके बाल बच्चा जिस वर्ष पास करता है उसी वर्ष देने का प्रावधान है, उसमें यदि 80% मार्क लाता है तो 25,000 रुपया, 70% मार्क लगेगा 15,000 रुपया और 60% मार्क लगेगा 10,000 रुपया। साइकिल किराया, कोई भी निर्माण मजदूर है जो साइकिल खरीदता है और औजार किराए के लिए है, कोई भी निर्माण औजार के लिए खरीदने के लिए 15,000 रुपया एक मुश्त देते हैं। भवन मरम्मति है, जो निर्माण मजदूर अपने जमीन पर भवन बनाया है उसके LPC और करेंट रसीद करके ऑनलाइन करेगा तो 20,000 रुपये। वार्षिक चिकित्सा लाभ है, प्रतिवर्ष 3,000 रुपया देने का प्रावधान है, फिलहाल ये भी बंद है। पेंशन है, कोई भी निर्माण मजदूर जब मेरे पास रस्ता है उसका टूट नहीं है तो पर मंथ 1,000 रुपये पेंशन देंगे। किसको मिलेगा? निर्माण मजदूर को। निर्माण मजदूर जिसका 5 साल सदस्यता हो, कम से कम 5 साल सदस्यता हो। मृत्यु लाभ, दाह संस्कार में 2,000 रुपया देते हैं, मृत्यु लाभ है, स्वाभाविक मृत्यु जो निर्माण मजदूर का होगा तो उसको हम लोग 2,00,000 रुपया देते हैं, जब एक्सीडेंटल होगा दुर्घटना मृत्यु होगा तो 4,00,000 रुपया देते हैं, उसमें यदि एक्सीडेंटल में आपदा से यदि उसको मिल गया है 4,00,000 रुपया तो हम लोग 1,00,000 रुपया बोर्ड के द्वारा देंगे। पितृत्व लाभ है, कोई भी निर्माण जो प्रसव में होगा उसका दो बच्चा में तो उसको 6,000 रुपया मिलेगा पितृत्व लाभ। शादी वाला कोई भी निर्माण श्रमिक है जिसका 3 साल सदस्यता हो गया है, प्रथम 2 बेटी का जैसे शादी करेगी हो
18 लड़की का एज होना चाहिए 18 साल, लड़का का 21 साल, तो 50,000 रुपये देंगे। यही है 50,000 रुपये देंगे। 50 किसको देंगे? 50,000 निर्माण श्रमिक अपना बेटी की शादी करेंगे या खुद निर्माण श्रमिक में कोई लड़की जिसका जिसका कार्ड बना हुआ है। हाँ, जो कोई भी लड़की है मान लीजिए काम कर रहे शादी नहीं भला शादी कर रहे उसको भी 50,000। अच्छा, जिसको आप मानते हैं कि मेरा निर्माण मजदूर है? नहीं, हम नहीं माने, बोर्ड में रजिस्टर्ड है। बोर्ड में रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर्ड होगा उसके बाद। अच्छा, रजिस्टर्ड होगा, संस्था 3 साल होना चाहिए। अच्छा, ये शादी वादी हो जाता है, 2-3 साल हो जाता है, 2 बच्चा हो जाता है, तब भी पैसा नहीं मिलता है? नहीं, तब भी पैसा नहीं मिलता? बहुत सारा ऐसा नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। शादी सूचना से नियम था, यदि आप शादी कर रहे हैं तो हमको भी सूचना दे दीजिए, हमको जानकारी में रहेगा, हम कोशिश करेंगे जो 1 महीना के अंदर उसे पेमेंट करा दीजिए। प्रदेश में एक मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में, बस में टोकर लग गया था, चंदनपट्टी के लोग हैं, तो उनको कैसे लाभ मिल पाया? हो गया इसी महीने 10 दिन हो गया। मजदूर है? हाँ, नहीं, मजदूर वहाँ के मजदूर थे, वहाँ मजदूर था, मजदूर बाहर मरा, प्रवासी मजदूर की योजना बोले ना 1,00,000 रुपये हम देते हैं, देंगे तो उसमें ऑनलाइन RTPS से आप ऑनलाइन करवा दीजिए, मेरे पास कागज आएगा उसको दे देंगे। इसके लिए चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, FIR चाहिए, पोस्टमार्टम चाहिए, जो काम कर रहा है वहाँ से लिखवा ले जो काम कर रहा है, नहीं तो यहाँ भी लिख देंगे जो काम कर रहे हैं, जो प्रूफ हो जाए जो मजदूर है, तो 1,00,000 रुपये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए? पोस्टमार्टम चाहिए, FIR चाहिए, दोनों कंपलसरी है। कोई भी एक्सीडेंट होगा तो भी प्रूफ है ना, पोस्टमार्टम और FIR ही चाहिए। अगर FIR नहीं होगा तो तब नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिक्स है? फिक्स है। इस योजना में तो 2-3 मामला भी यहाँ दिला चुके हैं, जो कागज है कागज आपको लगेगा।